यही कहना चाहती हूँ, पैसा दूंगी तो विधवा पेंशन बनेगा, नहीं दूंगी तो नहीं बनेगा। अच्छा, नालियाँ सड़ रही है, रोड जर्जर पड़े हैं, पानी आज तक पानी नहीं है, लोग पानी मोल का पी रहे हैं। हमारा काम करेगा, हम उसको देंगे, उसको झाड़ूंगा। ये हमारा भारत देश, यहाँ पे नारे लगाए जाते हैं क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया। स्कूल के बिल्कुल साथ में ही कचरा पड़ा हुआ है काफ़ी तादाद में। यहाँ पे पिछले दिनों में 4 गाय की मौत हो गई थी यहाँ पे पिछले दिनों में। ये देखिए कचरा, ये एरिया आता है संतोष टैंक जी के अंडर, जिनके हस्बैंड है दिनेश टैंक जी, जो यहाँ का काम वगैरह, यहाँ का सारा काम वही करते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप, चलती रोड है, ये रोड बिल्कुल चलती रोड है, घर हैं लोगों के, देखिए आप देख सकते हैं चलती रोड है। और यहाँ पे ये हालात हैं, देखिए इससे बीमारी नहीं होगी तो क्या होगा बताओ, लोगों के घरों में बीमारियां नहीं आएंगी तो क्या होगा। बिल्कुल चलती रोड, स्कूल के बिल्कुल साथ ही, और फिर कहते हैं क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, देश बचाओ। ऐसे देश बचेगा जब जानवर ही यहाँ के कचरा वचरा खा के बीमार पड़ेंगे, तो ऐसे देश बचेगा? ऐसे देश नहीं बचेगा। ये देखिए ये नाला, ये नाला भरा पड़ा हुआ है, और इधर बगल में ही लोगों के घर है। ये देखिए, ये लोग खाना खा रहे हैं बाहर, ये लोगों के घर हैं। क्या होगा हमारे देश का बताओ। नमस्कार, मैं मेहंत शर्मा, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया शनि बाज़ार में, जे कॉलोनी शनि बाज़ार में जो बहुत सारा कचरा पड़ा था, और जो वहां के जो निगम पार्षद थे संतोष जी, उनके बेटे ने कुछ दिन वहां पे पूरा नीट एंड क्लीन करवाया। आज की डेट में फिर से वहां पे कचरा भरा पड़ा। इस समय मैं मौजूद हूँ जे कॉलोनी में फेज 3 में, और यहां पे मैंने आपको पिछली वीडियो में अभी वीडियो बनाई जो मैंने आपको बताया, स्कूल के बिल्कुल बगल में कचरे के ढेर पड़े हैं। पिछले दिनों में यहाँ पे 4 गायें की हत्या हो गई है, ये कचरा खा खा के, जहरीला पदार्थ खा के गायें माता की हत्या कर दी गई। यहाँ पे 4 गायें यहाँ पे मौत के घाट उतार दी गई, और अभी यहाँ पे नाले वगैरह बताए, काफ़ी नाले भरे पड़े हैं। बच्चे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आए दिन बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए यहाँ की जनता से पूछते हैं कि निगम पार्षद ने अब तक इनके क्षेत्र में क्या कार्य किए, और आने वाले दिनों में क्या कार्य करवाना चाहते हैं। यहाँ तक मैंने देखा कचरा बहुत भरा पड़ा है यहाँ पे, तो ना खुश है यहाँ की जनता। आइए इन्हीं की जवानी पूछती है, क्या नाम है माता जी आपका? आगे आ जाइए। तो कौन है यहाँ के पार्षद? संतोष। संतोष जी, तो अभी तक ये क्या काम करवाया उन्होंने? अब तक कुछ काम करवाया? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं करवाया, अपने 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 या कुछ। अच्छा, तो आप उनसे, आप उनके काम से खुश हैं या ना खुश हैं? नहीं खुश हैं। तो आने वाले दिनों में जो अगले साल वोट पड़ रहे हैं अप्रैल में, किसको वोट दोगे आप? जिसको देंगे, काम करवाएगा। ताऊ जी, कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल के आप यहाँ पे काफी सालों से रह रहे हैं? 18-19 साल हो गए। अच्छा, तो क्या काम करवाया यहाँ के निगम पार्षद के, नाम बताइए? निगम पार्षद यहाँ के संतोष है, जिसमें यहाँ फेस 3 के अंदर मुड़के ही नहीं दे, कोई काम नहीं करवाया, खड़ा को सड़ा के फेंक दिया। अब्दुल्ला खान जी भी है, कहते हैं तो सुनती नहीं है, यो कहती है हमसे काम में, मुझे वहाँ से फेस 3 से वोट ही नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ ऐसा कह, जवाब मिलता जवाब देती है, कोई बच्चा कोई एडमिशन का दाखिला तो साइन करवाने जाते हैं, उस पर भी साइन नहीं करके देती। अच्छा, संतोष जी, संतोष जी ऑफिस में संतोष जी बैठती है? कुछ भी नहीं करवाया, जो कचरा भरा पड़ा स्कूल के सामने, उसके लिए क्या करना चाहते हैं?
उसके बारे में कहते हैं यहाँ बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, कचरे में गंदगी बदबू आती है, अब लोगों को परेशानी है, गायें भी मर रही हैं, यहाँ दुनिया भर का लफड़ा हुआ पड़ा है, अब कचरे का कोई सुने किससे कहें, कोई सुन के राजी नहीं है यहाँ, ना वो सुनते ना निगम पार्षद सुनता ना यहाँ का एम ए वो विधायक सुनता। अच्छा, तो आप उनके काम से खुश नहीं है? नहीं। बिल्कुल खुश नहीं है। तो आने वाले दिनों में किसको वोट देना चाहते हैं? तो बीजेपी को देंगे, जो बीजेपी हमारा काम करती है, लेकिन बीजेपी की संतोष है तो वो भी यहाँ काम करके राजी नहीं है, उसको कोटा मिलता है इस कॉलोनी का, उसे हड़प जाती है, खा जाती है। मतलब संतोष जी ने कोई कार्य नहीं करवाया, कोई काम नहीं करवाया? अच्छा, तो आपने कोई एक्शन की बात नहीं? यहाँ की सब नालियाँ सड़ रही है, रोड जर्जर पड़े हैं, पानी आज तक पानी नहीं है, लोग पानी मोल का पी रहे हैं यहाँ। अच्छा, तो आपने कोई बात नहीं की उनसे जाके कि भाई ऐसे सफाई कराओ? कितनी दफा का आया, सुन के राजी नहीं है। क्या नाम है ताऊजी आपका? यादराम। तो आप भी यहीं पे रहते हैं? तो क्या कुछ खुश है आप इधर के निगम पार्षद से, काम से? कुछ काम ही नहीं करते तो क्या खुश है? अब तक कोई कार्य नहीं करवाया? कचरा जो स्कूल के सामने कचरा पड़ा है, नाड़ी भरी पड़ी है, इधर जो रोड गंदा हो रहा है, कुछ काम किया है? तो आने वाले दिनों में किसको वोट दोगे आप? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को दोगे? जो काम करेगा उसी को देंगे। मतलब आज आके आप ना खुश होंगे कार्य से? वोट के लिए हाथ पैर जोड़ेंगे। आइए माता जी, आ जाइए इधर आ जाइए। तो आप कुछ बताइए, क्या जहाँ पे कचरा भरा पड़ा है? गंदगी ना बहुत होता भैया, यहाँ कचरा उठता है फिर वापस ऐसे ही ढेर मचा देती है, पब्लिक भी नहीं मानती है, पब्लिक को भी बोलते हैं, पब्लिक हमारे ऊपर झगड़ने को आती है, इसलिए थोड़ी सफाई होती है फिर थोड़ा वही हो जाता है। और नाला भी टूटा पड़ा है इतने दिन से, इतना गंद भरा हुआ पूरे नाले में कि वो मच्छर खाते हैं, रात को बैठ जाते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं। अब बैग लेके भी गिर जाती, पब्लिक भी गिर जाती, आम लड़के भी गिर जाते, बड़े बड़े लोग गिर जाते इस नाले के अंदर। बोला है जी, कितनी दफा बोल दिया, कोई नहीं सुनता, वो सिर्फ वोटों के लिए हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद कोई नहीं देखता। उनके ऑफिस में गए थे? अब हाँ, ये तो जाती रहती है, मैं तो नहीं किया, नहीं तो हाथ में दर्द हो गया, नहीं सुनते। भैया तुम जा रहे हो यार, यहाँ हाथ के अंदर। हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। अच्छा, आइए आगे आगे भैया। जो संतोष जी हैं निगम पार्षद, तो उनके काम से आप ना खुश हैं? बिल्कुल बेकार है हम तो जी भैया, जो कचरा पड़ा स्कूल के बिल्कुल सामने, गाय वगैरह कूड़ा कचरा ये भी पड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना, उठाना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, मतलब उनके काम से आप ना खुश हैं? ना खुशी है इस टाइम, और पहली बार पूरा देखो ना, पहले रोड पे कैसे कर रहा है, गाली वाली दे देगा तो अब तो काम हो गया, ये पहले बहुत गलत था आपके सामने, देखो आप भी देख रहे हो, देखे वाले को भाई वीडियो आप भी देख रहे हो, इस बात को कूड़ा कैसे फैल रहा है, हवा चल रही है तो पन्नी अन्नी का मुँह पे भी जाती है, सब जगह जाती है, तो उसको कहाँ जाएगा? उन्होंने तो अपना काम करवाया, उसको लोन में हमारा कुछ नहीं, हमारे इधर कुछ भी नहीं हुआ। संतोष जी बैठती हो फिर? संतोष जी नहीं बैठती है? नहीं, वो कहते हैं 1000 की पेंशन बनवाएंगे, विधवा की ऐसा नहीं बनती। सब चीज को ले आना है यार, एक बात सबको बुला ले एक बार, में सबके सामने कह दूंगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संध्या। अच्छा, तो आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? तो मैं यही कहना चाहती हूँ, पैसा दूंगी तो विधवा पेंशन बनेगा, नहीं दूंगी तो नहीं बनेगा। अच्छा, कितने साल हो गए आपके हस्बैंड की घर को? हमारे 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। हाँ। तो कौन मांग रहा है आपसे विधवा पेंशन के लिए पैसे? सब ऑफिस में बैठे वो मांग रहे हैं। और क्या, जेब खर्चा मांगते भाई, 2 जेब खर्चे यहाँ के निगम पार्षद। हाँ, हम तो पैसे मांग के, पैसे लेकर इनसे रिश्वत लेकर इनकी विधवा पेंशन के लिए कह रहे हैं कि अप्लाई करेंगे आपकी। मैं करवाई नहीं, मैं तो फिर मैं नहीं करवाई। कितना टाइम हो गया आपको उनके पास राउंड लगाते हो, जाते आते? 9 महीना हो गया। 9 महीने से आप आ जा रहे हो। हाँ। तो उनका कहना कि कितने पैसे मांग रहे हैं? अब पैसा ऑफिस में मांग रहे थे, कहाँ से उतना? कितने मांग रहे हैं? कुछ अमाउंट होगी ना, कुछ कितने मांग रहे हैं? 2000, 10000, 5000? 5000 मांग रहे हैं? 2000, 3000 भाई जेब भरो, तुम्हारा विधवा पेंशन बना। अच्छा, मतलब जैसे तुम पैसे दोगी तो तुम्हारी विधवा पेंशन आ जाएगी, ऐसे बोल रहे हैं? तो हम कहाँ से दें? अच्छा, गरीब आदमी घर के उतना। अब बताओ, निगम पार्षद का काम होता है कि जनता की सेवा करना, और यहाँ पे जनता से ही पैसे लेके इनका काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे? कहाँ से आएगा इतना पैसा इंसान के पास? ऐसा है, ये जो एमसीडी के जो अधिकारी हैं, जेईई एक्शन वगैरह जो भी अधिकारी हैं एमसीडी के,
जो सरकारी कर्मचारी झाड़ू जो करने वाले उनकी कुछ चंद लोगों की हाजिरी लगा के बाकी जो घर पे बैठे हुए हैं वो जो है अधिकारियों की तनख्वाह में से वो अपने पास पैसा काट लेते हैं, बाकी वो मजे से अपने घर पे बैठते हैं अधिकारी। और यहाँ पर जो नाम निशान के लिए इक्का दुक्का कभी कभार साल खान दिखाई देता है, इसीलिए इस कॉलोनी की जो दुर्दशा ज़्यादा खराब हो गई है। तो MCD के अधिकारी और JEE एक्सर मैक्सर कौशल सब मिले ये सारा गिर हो रहा है, इसीलिए कॉलोनी की दुर्दशा हुई है, इसीलिए इस पर नज़र रखी जाए और इसकी आवाज़ उठाई है। अधिकारी बहुत है, काम करने वाले कर्मचारी बहुत हैं, लेकिन वो ऊपर से पैसा आता है तो 3-4 हज़ार रुपया के हिसाब से उनका कट जाता है, बाकी गिने चुने 2-4 की हाजिरी वहाँ लग जाती है और बाकी जो वो अपने घर पर मजा लेते हैं। इस तरीके से सिस्टम यहाँ पर बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसीलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आगे जाके इनकी बात जो ज़्यादा से ज़्यादा उठाई जाए, क्योंकि जैजा कॉलोनी जो पिस्तरी है 8 ब्लॉक है, जब से 2002 से आई है तब से इन्होंने नरक बना दिया है, जब कोई काम करने के लिए राजी नहीं है और समाज के साथ धोखा सरेआम कर रहे हैं। और यहाँ गेट बेट उधर कहीं का लगा दिए पिस्तरी को, जो कोई गेट ही नहीं है, अच्छा कोई मीडिया वाला नहीं आया था, कोई ना मीडिया वाला ना कोई अफसर आया, बोर्ड ले जाते करके नहीं मैं आपको सत्य बताऊँ, मैं यहाँ पर पूरा उड़ का हमारे घर करता कोई बात नहीं, इन लोगों ने हम अब अपने चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ जनता तक भी पहुँचाएंगे, हर जगह पे आपकी आवाज़ पहुँचेगी, ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से। गाँवों के लोग इतने परेशान इस कॉलोनी में देख के कहा आप कुछ कहना चाहोगे ना, तो कभी कोई दवाई छिड़कने वाले आते, इतने यहाँ मच्छर हो रहे हैं, रात को नींद आती ना दिन में आते, नाले कैसे खुले पड़े। तो आपने कभी दिनेश टैंक के साथ बात क्यों नहीं की इसके बारे में? अब हमें क्या मालूम कहाँ रहता कोई, फोटो के लिए तो यहाँ पे सब आ जाए, वैसे कोई नहीं आता, कूड़ा देखो वहाँ से यहाँ तक आ जाता है घरों में, यहाँ तक नहीं और ये दुनिया भर की कभी कितनी परेशानी होती है, बदबू निकलती है, लोग बाग निकलते हैं। जो काम करेगा उसी को देंगे ना वोट। अच्छा। अभी पहले कहा था झाड़ू वाले ने भाई पानी आएगा, पानी अभी तक पानी बिचारी ना हुआ यहाँ पे, अच्छा। पानी पैसों से लेके इंसान पीता, कहा तक कोई पैसे से पानी पिएगा इंसान, परेशान हो रहा है इंसान पानी के लिए, निगम पार्षद से जब पानी आनी ना कुछ खाने पीने को मिलता है ढंग से, तो जब इंसान परेशानी होगा और क्या होगा, पानी होता पानी साफ होगा तो पब्लिक सही होगी, पानी सही नहीं होगा तो पानी इतना गंदा है इंसान बीमार हो जाता है, धंधा नहीं है कुछ नहीं है यहाँ पर, क्या करे मेरा। अच्छा माता जी आप कुछ कह रहे थे दारू के लिए, कुछ कह रही थी गली गली में दारू बिक रही है, गली गली में दारू बिक रही है, आगे आ जाइए, गली गली में दारू बिक रही है, गली गली में गांजा बिक रहा है, गली गली में दारू है गांजा बिक रहा है। अच्छा मुझे गली गली में जो बेचते हैं दारू गांजा तो आप कंप्लेन क्यों नहीं करते पुलिस पे? पुलिस जानती है, खादर की पुलिस मिली हुई है, पैसे लेके जाती है महीने की मंत्री है, पैसे बन रहे हैं उनके महीने के। अच्छा मतलब गांजा और जो दारू सप्लाई कर रहे हैं घरों में उनके पैसे दे जा रहे हैं, और क्या ले आ जाते हैं महीने में लेके जाते हैं पैसे, पब्लिक दारू पी पी के अपने बीवी बच्चे को भूखा मारती है, उनको दारू चाहिए पीने के लिए, और क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आपने निगम पार्षद से नहीं इस बारे में बात की? अब बेटा हमें मालूम ही नहीं है कौन है कौन नहीं है, वो पानी इतना गंदा है जमीन में, जब निकालते भरते भरते पानी पीला हो जाता है इंसान, जब बाल्टी में इतना पीला हो जाता है पत्ता पड़ा तो पेट में क्या हानि हो रहा है, इतने इंसान डॉक्टरों के घर में धरे रहते हैं, इंसान इतना कुमाता है जितना डॉक्टर को दिया था इंसान। जो निगम पार्षद है उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या कार्य किया, पहले उनका नाम बताइए, कौन है निगम पार्षद? संतोष देवी। संतोष जी हैं जी। तो क्या कार्य करवाया अब तक उन्होंने आपके क्षेत्र में? अभी तक जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर, और BJP का जो निगम पार्षद है खादर का भी हमारे काम नहीं हुआ है, और इधर में जो आम आदमी का जो है अमन चिल्ला जी उन्होंने कोई काम नहीं किया है, इस कॉलोनी को पत्ता बना दिया। अच्छा। हाँ कोई नाली साफ हुई है न कोई साफ सफाई हुई है, न कूड़ा कचड़ा यहाँ से साफ होता है, कॉलोनी में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ। पानी तो ये जो कचरा पड़ा हुआ स्कूल के साथ में उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए ये कहना चाहते हैं कि निगम पार्षद सफाई करवावे
अमानतुल्ला जी करवा में, और हमारा जो कॉलोनी का आदमी है कोई भी इनके पास जाता है तो वोट के टाइम ये कह देते हैं कि कॉलोनी हमारे अंडर में नहीं आती, और ऐसे करके लोगों को भगा देते, काम नहीं करते। ना खुश क्या, वो सारी जनता ही ना खुश है, लोग कूड़ा कचड़ा वो आप देख ही सकते हैं, पानी में पैसे नहीं रहे हैं, और पानी है वो खारी है, पतली पतली हो जाती है, लोगों के बीमारी बन रही है, कोई दवाई दूंगी नहीं छिड़कता, तमाम तरह की परेशानी है यहाँ पर जब से। और इससे पहले जो है महेश गिरी निकले थे, क्या नाम है निगम पार्षद, क्या नाम है सांसद थे, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज जो है वो क्या नाम है गौतम गंभीर, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। यहाँ लोग बहुत परेशान हैं, कोई काम नहीं हो रहा, 2010 के बाद यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, और न कोई किसी की पेंशन है, न कोई किसी का कोई पेड़ रोपण, न कोई पौधा लगाना। पेंशन के लिए आपने कभी उनको बोला नहीं, पेंशन वगैरह के लिए? पेंशन के लिए लोग जाते हैं तो वो करते नहीं है, दुनियाधर की बातें बना करके उनको भगा देते हैं। इस तरीके से दोनों की मिली भगत है, इसमें काम करना नहीं चाहते, हमारा क्षेत्र जो है बहुत पीछे रह गया, सड़ गया। आ जाइए बाबा जी, आप आ जाइए, क्या नाम है आपका? तो यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, क्या नाम है उनका? तो क्या कार्य करवाया उन्होंने अब तक आपके क्षेत्र में? भाई नाले से इधर कुछ नहीं हो रहा, अच्छा सारा इधर ही हो रहा है। अच्छा, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, क्या नाम है उनका? तो क्या कार्य करवाया उन्होंने अब तक आपके क्षेत्र में? भाई नाले से इधर कुछ नहीं हो रहा, अच्छा सारा इधर ही हो रहा है। अच्छा, पैसा का यहाँ का आया हो चाहे वहाँ का हो, आप देख सकते हैं कॉलोनी है क्या सहायता करोगे आप करवा सकते हैं, नाली का विकास है, रोड का है, पानी का है, ये विद्यालय है, स्कूल का काम है, आज आके आप उनके काम से ना पूछे तो किन को वोट देना चाहते हो आने वाले जो चुनाव होंगे? बेटा जो कोई अच्छा आदमी आएगा हमारे गरीब को साथ देगा, हम उनके साथ। क्या नाम है श्याम देवी? तो क्या कहना चाहती हैं आप यहाँ के निगम पार्षद के लिए? उन्होंने सरकारी कॉलोनी किस कार्य के लिए बात है? हम भाग रहे थे टेंशन के लिए। क्या उम्र है? 60 हो गई है। तो जब आप उनके पास बुढ़ापा पेंशन के लिए गए तो क्या कहना उनका, क्या बोला उन्होंने? नहीं, ये बोला था कि आपकी आ गई होगी, बन गई होगी, नहीं बनी होगी, कुछ जवाब भी नहीं दिया। किसने जवाब नहीं दिया, संतोष जी ने या उनके हस्बैंड ने, दिनेश जी ने? उन्होंने आगे बैठे थे। क्या नाम है उनका? आगे आ जाइए, क्या नाम है उनका? अब्दुल्ला खान। अच्छा, अमानतुल्ला खान। अमानतुल्ला खान ने कोई वो नहीं किया? तो यहाँ के जो निगम पार्षद हैं संतोष जी, उन्होंने अब तक आपके क्षेत्र में क्या कार्य करवाया कुछ पता है? कुछ करवाया नहीं। तो जहाँ पे जो कचरा वचरा पड़ा हुआ स्कूल के सामने, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? करना चाहते हैं सफाई हो जाती है, सफाई होनी चाहिए, और कुछ बनना चाहिए, सफाई होना चाहिए। आने वाले दिनों में आप किसको वोट दोगे जब आने वाले चुनाव होंगे? जो काम करवाएगा, जो हमारा काम करेगा उनको देंगे। अच्छा, हाँ जी, हमारा काम करे बाद में वोट देंगे। हाँ जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी। क्या उम्र है आपकी? 55 साल की उम्र है। 55 साल। तो यहाँ पे जो निगम पार्षद है संतोष जी, उन्होंने अब तक आपके क्षेत्र में क्या कार्य करवाया है? कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया, कोई कार्य नहीं करवाया, कोई भी नहीं। बिल्कुल जाते कुछ, कोई बच्चे अच्छे के स्कूल की कोई चीज की जरूरत पड़ जाती है, दस्तखत बात भी नहीं कर सकते, मतलब दस्तखत वगैरह भी नहीं करते हैं, कुछ करते ही नहीं। ये और हमारे मुल्ला जी, अब्दुल्ला, क्या नाम है? अमानतुल्ला। तो बिल्कुल स्कूल में कम से कम 10-10 का मुसलमान के आदमी होंगे, तो हमारे दो ही बच्चे होंगे, दस्तखत कराने जाते कोई बच्चा हमारे का या पढ़ने को, जो हमारे बच्चे बहन तो कहीं
रोज रोड जा रहे हैं तो कोई धोले कुएं जा रहे हैं। मतलब कि ये मनोतुल्ला खान जो सिग्नेचर साइन वगैरह नहीं कर रहे हैं। यहाँ का इसका जो माजवा आया नहीं खा गया जाने खा लगा दिया हालत कर गया हमें पता नहीं। ये हमारी सड़कों को जब गवर्नमेंट डाली हो जाने देखा बुरे हाल है। ये देखिए हम नरक में जगह जी एक और में हम नरक में रहे हमारी मिट्टी फार करके बीमार आदमी अभी पिछले गर्मी में इतने बच्चे की वजह से कचरे की वजह से कचरे की वजह से निगम पार्षद उनसे बात नहीं की। आप इस उम्र में उनके पास जाते हो बात करने के लिए? मैं नहीं जाता, मेरे और बच्चे जाते हैं, फोन कर बात हम मुलाकात में आते नहीं। अच्छा, और बच्चे का मेरा इतनी पब्लिक है मेरी पता है तो नहीं जाती है, उनके पास जाते हैं, उनके बच्चे परेशान है, उनको कई काम होता पेंसिल का सोने नहीं थे किसी को ना खुश है आप उनके कार्य से? बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं। तो आने वाले जो हमारा काम करेगा हम उसको देंगे, जो आएगा उसको झाड़ू मारेंगे। करते हमसे एक बार अपना नहीं करते क्योंकि हमको गवर्नमेंट नहीं देगी और मुझे हम तो सफाई कर्मचारी इलाके में ज्यादा जो हर गेट के ऊपर गेट लगा हुआ है कौन सा ना ना गेट है ना सड़क है ना पानी पानी में मोल पी रहे हूँ पानी मोल पी रहे हाँ जी इधर आ जाइए। हाँ जी क्या नाम आपका? तो यहाँ की जो निगम पार्षद है उन्होंने अब तक आपके क्षेत्र में क्या कार्य करवाया? तो ये जो कचरा वचरा पड़ा है इससे बीमारी बच्चों को पड़ती है, इसके लिए कुछ कहने का? मतलब कोई अगर आप उनके पास जाते हो कोई काम के लिए तो कोई काम दिनेश जी जो संतोष जी के हस्बैंड है वो बोल रहे हैं ऐसे बोलते हैं कोई काम नहीं करता गर्म सिंह हो क्या कोई गए हाथी वाला तो आप उनके काम से ना खुश हैं। तो आने वाले दिनों में किसको वोट दोगे आप? हमारी मर्जी जो काम करवाएगा करवाएगा काम करवाएगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ जाइए आप आगे आ जाइए आंटी अमित जी तो कह रहे हैं कि हम गली गली में जो बेटे हैं कि हम कर रहे हैं सफाई कोई नहीं आया आप तक कोई भी नहीं आया आपका मतलब आ जाके आप नाखुश हैं उनके कार्य से मुझे कचरा वचरा जो पड़ा हुआ है शरमाती नाले तो दूर की बात है ये करो कि नाली साफ कर दो वही बहुत है वही बात है। इनका कहना है कि ये जो मेन रोड पे जो कचरा और नाले हैं वो दूर की बात है अगर इनकी गलियों के नालियां साफ कर दे वो ही बहुत बड़ी बात है इनका ये कहना है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? ये महंगाई ऐसी हो रही है जिड़ा रहा हमारा लोगों को बच्चों के सेल का होना चाहते वो भी नहीं कहते कुछ भी नहीं होता बच्चों के क्या स्कूल में कोई परेशानी हो जाती है और सहन करवा तो सहन भी नहीं कहते कहते हैं। अच्छा तो सर तो वो भी यहाँ काम करके राजी नहीं उसको कोटा मिलता है इस कॉलोनी का उसे हड़प जाती है खा जाती है। मतलब संतोष जी ने कोई कार्य नहीं करवाया कोई काम नहीं करवाया अच्छा तो आपने कोई एक्शन की कोई बात नहीं की? सब नालियाँ सड़ रही हैं रोड जर्जर पड़े हैं पानी आज तक पानी नहीं है लोग पानी मोल का पी रहे हैं यहाँ। तो आपने कोई बात नहीं की उनसे जाके कि भाई ऐसे सफाई कराओ? कितनी दफा कहा है सुन के राजी नहीं है। क्या नाम है ताऊजी आपका? याद राम। तो आप भी यहीं पे रहते हैं तो क्या कुछ खुश है आप इधर के निगम पार्षद से काम से? कुछ काम ही नहीं करते तो क्या खुश है? तो अब तक कोई कार्य नहीं करवाया कचरा जो स्कूल के सामने कचरा पड़ा है नाड़ी भरी पड़ी है इधर जो रोड कंधा हो रहा है कुछ काम किया है इसने? तो आने वाले दिनों में किसको वोट दोगे आप? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को दोगे जो काम करेगा उसी को देंगे। मतलब आज आके आप ना खुश हैं उनके कार्य से? वोट के लिए हाथ पैर जोड़ेंगे। आइए माता जी आगे आ जाइए आगे इधर आ जाइए। तो आप कुछ बताइए क्या जहाँ पे कचरा भरा पड़ा है? गंदगी बहुत होता है भैया कचरा उठता है फिर वापस ऐसे ही ढेर मचा देती है पब्लिक भी नहीं मानती है। पब्लिक को भी बोलते हैं पब्लिक हमारे ऊपर झगड़ने को आती है इसलिए थोड़ी सफाई होती है फिर थोड़ा वही हो जाता है।
और नाला भी टूटा पड़ा है, इतने दिन से इतना गंद भरा हुआ पूरे नाले में कि वो मच्छर खाते हैं, रात को बैठ जाते हैं, बच्चे गिरते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं, वैसे भी गिरते हैं बच्चे, वहाँ बैग लेके भी गिर जाती, पब्लिक भी गिर जाती, आम लड़के भी गिर जाते, बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं इस नाले के अंदर। हाथ में दर्द हो गया, नहीं सुनते तुम क्या हाथ के अंदर। हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। अच्छा आइए हाथ के अंदर, पानी आने का आगे आ जाइए साहब। साथ बैठ जाइए। जो संतोष जी हैं निगम पार्षद, तो उनके काम से आप ना खुश हैं? बिल्कुल बेकार है हम तो। तो ये भैया जो कचरा पड़ा स्कूल के बिल्कुल सामने, गाय वगैरह कूड़ा कचरा ये भी पड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना है, उठाना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, मतलब उनके काम से आप ना खुश हैं? और क्या ना खुशी है इस टाइम? और पहली बार कूड़ा देखो ना, पहले रोड पे कैसे कर रहा है, अब तो कानों में और आंखों में इन्होंने पट्टी बांध रखी है, कानों में रुई घुसेड़ रखी है, जनता की आवाज नहीं सुन रहे हैं, जनता के जो जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है वो नहीं देखा जा रहा इनसे। आने वाले दिनों में किसको ये वोट देंगे वो भी आपने जनता के विचार सुने। मुझे नहीं लगता कि इस बार संतोष जी को जीत का सहरा उनके सिर पे सजेगा। देखते रहिए मेरे साथ, मयंक शर्मा, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज, दिल्ली तक।